आज का हमारा हेरिटेज है पटवों की हवेली, जो कि राजस्थान के जैसलमेर के अंदर स्थित है। इस हवेली के अंदर सोने की पेंटिंग है, चांदी के बेड है तथा पुराने से पुराना सामान यहाँ पर रखा गया है, जो हम आपको बताएंगे। इस हवेली के जो मालिक है कोठारी पटवे, वो बहुत पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी ये हवेली है जो पांच भागों में डिवाइड की गई है, यानी कि पांच भागों में बनाई गई है। उनके पांच पुत्र थे ऐसा माना जाता है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो सेठानी जी थे उनका बेडरूम है। और इसके अंदर जो भित्ति चित्र है, जो कलाकारी है, जो पेंटिंग है आप देख रहे हैं, ये सोने की पेंटिंग है। यहाँ पर मौजूद जितने भी सामान है वो उस ज़माने का है जिस ज़माने में ये हवेली बनाई गई थी। आप देख रहे हैं उस ज़माने के ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो आपको सामने वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, रानियों के कपड़े हैं वो भी पुराने ज़माने के हैं, वो यहाँ पर देखने के लिए रखे गए हैं। अंदर की जो भित्ति चित्रकारी है, कलाकारी है, वो भी आप देख सकते हैं। नक्काशी है, कितनी सुंदर और शानदार ये बेडरूम है। इसके अंदर ये जो कपड़े, सिलाई मशीन और बहुत से सामान यहाँ पर रखे गए हैं। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये झूला है बच्चों का, और ये सामने बच्चों की साइकिल है। उस ज़माने की बच्चे साइकिल चलाते थे। जिस ज़माने में बड़ों को साइकिल नहीं मिलती थी, उस ज़माने में ये धनाढ्य परिवार बच्चों के लिए साइकिल रखते थे। और ये झूला है, इस झूले के चारों ओर जो बॉर्डर बनाया गया है वो चांदी का है। ये जो बेड आप देख रहे हैं ये पूरा चांदी का है। फिलहाल इसका कलर है जो ब्लैक हो गया है, क्योंकि चांदी आपको पता है कि समय के अनुसार कलर चांदी का चेंज हो जाता है। तो ये पूरा जो बेड है ये चांदी का है। इस पे महारानी वगैरह है, वो विश्राम किया करते थे। ये महारानी का बेडरूम है। बच्चों के खिलौने यहाँ पर रखे गए हैं देखने के लिए, पुराने ज़माने के हैं। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये परिवार कितना धनाढ्य होगा उस समय। ये ऊपर शीशम की लकड़ी है, लकड़ी का सीलिंग बनाई गई है। बहुत ही सुंदर नक्काशी और इसकी चित्रकारी है। इस हवेली के अंदर आपको पुराने से पुराना सामान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ यंत्र रखे गए हैं जो कि संगीत के काम आते थे। ये रिकॉर्ड प्लेयर है जिसके अंदर बड़ी बड़ी सीडी जैसी कैसेटें लगती थी। और इसकी जो चलाने के लिए जो पिन होती थी वो डायमंड की होती थी। ये रिकॉर्ड प्लेयर है जो आप देख रहे हैं। कितनी सुंदर कलाकारी है, भित्ति चित्रकारी है इस हवेली की। आगे आगे आप देखेंगे बहुत ही मनमोहक दृश्य इस हवेली का है। हम आपको दिखा रहे हैं कोठारी पटवों की हवेली, जो कि जैसलमेर के अंदर है। पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। ये हवेली, इस हवेली को देखने के लिए टिकट लगता है, और आप टिकट लेने के बाद में इस पूरी हवेली का भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियोग्राफी के लिए अलग से चार्ज देना होता है, चाहे आप मोबाइल से बनाए या फिर कैमरे से यहाँ पर वीडियोग्राफी करें। ये उस ज़माने का ऊँट पर रखने का प्लान है, जो ऊँट पर रखा जाता था। ये अलग अलग तरह के लॉक है जो अलग अलग डिज़ाइन के बनाए गए हैं। यहाँ पर बिच्छू के डिज़ाइन का बनाया गया है, मेंढक के डिज़ाइन का बनाया गया है, मछली के, घोड़े का, ऊँट का, हाथी का, अलग अलग तरह के लॉक है। उस ज़माने के ये ताले हैं जो शेर के, हिरण के, अलग अलग तरह के यहाँ ये लॉक का कलेक्शन है। यहाँ पर जितने भी डिज़ाइनदार रखे गए हैं ये सारे ताले हैं जो बहुत ही पुराने ज़माने के हैं। यहाँ तालों का कलेक्शन रखा गया है देखने के लिए, ताकि पर्यटक जो आते हैं उनको पता चल सके कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कैसी जीवन शैली हुआ करती थी, जो धनाढ्य परिवार हुआ करता था। आजकल ये आम बात है, क्योंकि हर घरों में लगभग एक ही जैसे हैं सभी लोग। पहले पुराने ज़माने में जो धनाढ्य परिवार होता था उनका अलग ही एक अस्तित्व होता था, अलग ही एक रौब होता था। पुराने लॉक्स कलेक्शन जो मैं बड़े ताले चाबी मैं गेट के लिए, छोटे ताले चाबी हवेली के रूम्स के लिए, इससे मैनुअल लॉक है वो ज्वेलरी बॉक्स के लिए,
ये लॉक इसका नाम है ज्वाइंट अकाउंट लॉक, हस्बैंड वाइफ लॉक। एक साहब के हस्बैंड के पास, एक वाइफ के पास, दोनों में से एक का झगड़ा हो गया तो लॉक नहीं खुलेगा। ये कैमल का सीट भी है, कैमल को लगाते इसको दो मेंबर बैठेगा आगे वाले के पीछे।